पूरे भारत का सुप्रसिद्ध दंगल स्थित पीठ बाबा क्यालू महाराज गंगत का दूसरे दिन का दंगल महिला पहलवानों के नाम रहा। इस महिला दंगल में राष्ट्रीय स्तर के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिला पहलवानों ने भाग लिया। अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर महिला पहलवानों ने दिखा दिया कि वो किसी भी स्तर पर पुरुषों से कम नहीं है। पूरे भारत का सुप्रसिद्ध दंगल सिद्धपीठ बाबा क्यालू जी महाराज गंगत का दूसरे दिन का दंगल महिला पहलवानों के नाम रहा। इस महिला दंगल में राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिला पहलवानों ने भी हिस्सा लिया। अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर महिला पहलवानों ने दिखा दिया कि वो किसी भी स्तर पर पुरुषों से कम नहीं है। गौरतलब है कि गंगत कस्बे में स्थापित बाबा क्यालू जी महाराज के प्रति जनता की अपार श्रद्धा है और इसी का परिणाम है कि लाखों रुपए के इनाम और धनराशि पहलवानों में बांटी जाती है। दंगल का फाइनल मैच अंतर्राष्ट्रीय पहलवान गुरशरण और पंजाब पुलिस जलंधर और सुदेश पहलवान रोहतक के बीच हुआ। कांटे की इस कुश्ती में गुरशरण और कौर ने सुदेश को पटकनी देकर भारत केसरी के इस फाइनल मैच पर कब्जा जमाया। कमेटी की ओर से विजेता पहलवान गुरशरण कौर को मोटरसाइकिल बल्टोई गुर्ज और इनाम देकर नवाजा गया। कमेटी प्रधान राजेश फल्ला की माने तो इस महिला दंगल के करवाने का उद्देश्य बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ है। उन्होंने कहा कि अगले साल विजेता महिला पहलवान को मारुति कार इनाम देकर पुरस्कृत किया जाएगा। और इस दंगल की आप सभी लोगों को बधाई है जो बाबा जी का आशीर्वाद लेने के लिए गंगत में जो 50-50 किलोमीटर दूर से जो हमारी जो नैना रस्ते कुश्तियाँ थी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लक्ष्य को लेकर जो सरकार ने रखा हुआ लक्ष्य उसके उपलक्ष्य जो कुश्ती हमने करवाई, ये कुश्ती जो है इस कुश्ती में हमने जो पहला नाम रखा था टाइटल में मोटरसाइकिल का रनर अप को 11,000 और एक बड़े बटोर की जिसका प्राइस 1,500 रुपये था और उसके बाद जो 60-70 के जी वाला था उसमें जो प्राइस था जीतने वाले को बटोई और 11,000 रुपया और जो रनर अप रही उसको 5,000 रुपया और बटोई थी। उसके नीचे जो भी छोटा बैनर था 50 से 60 उसको हमने 6,000 रुपया बटोई और 5,000 बटोई। उसके बाद एक हिमाचल टैक्टर रखा हुआ उसमें हमने 6,000 रुपये जीतने वाले को और हारने वाली लड़की को 5,000 रुपया। उसके बाद जितने भी लड़की पार्टिसिपेट किया जहाँ पर आकर कम से कम 200 लड़कियाँ थी उनको सभी को बाउंड मनी के रूप में बाबा जी का प्रसाद जो हमारे भांड्यावाला शहर के नाम से प्रसिद्ध है जो लोगों ने अपनी आस्था से बाबा जी के दरबार में बर्तन दिए थे कईयों ने बगोइयाँ दी थी कईयों जागरण दी थी उसी के देखते हुए सभी को प्रसाद के रूप में एक एक पुत्र का जो बड़ा बर्तन था वो दिया है। इन सबको मिलाकर जो हमने 200 पैर बनाए थे उनको दिया उनके जो कोचिज थे उनको भी ये प्राइज दिया सभी को कराया और रहने खाने बहने का सब कई लड़कियों का सभी बच्चे खुश हैं कुश्तियाँ करके सभी गए बोल बाबा क्यालू जी महाराज की जय। वहीं दंगल विजेता गुरशरण कौर ने अपनी जीत पर खुशी जाहिर की और कहा कि इस दंगल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मापदंड थे। उन्होंने कहा कि आज के जमाने में लड़कियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। कैसा लगा इस दंगल में आके? बहुत अच्छा क्योंकि जो है ऐसा इंटरनेशनल लेवल का कंपटीशन हुआ है यहाँ पे मुझे बहुत खुशी हुई। हाल मैडम जैसे एक स्तर के समाज में देखने को मिल रहा था लड़कियों की औरतों की जरूरत